place of birth नाउ article 15 को हम समझ सकते हैं वाया एज द फाइफ फाइव फॉर फिफ्टीन यानी कि यह बात करता है कि पांच चीज़ों के बारे में जो संविधान है वो बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा द फर्स्ट इज़ योर रिलीजन दैट नो वन विल डिस्क्रिमिनेट विथ यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन मीन्स अगर आप क्रिश्चन कम्युनिटीज़े हैं या हिंदू कम्युनिटीजें हैं जैनिज़्म हैं बुद्धिस्ट हैं मुस्लिम हैं ठीक पारसी हैं ठीक किसी भी कम्युनिटी से आप हैं ठीक है तो आप के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ठीक और वैसे अगर मैं बात करूं तो इन इंडिया ठीक है इंडिया में छः कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिस्ट में रखा गया है जब वहाँ माइनॉरिटी की बात करेंगे तब तो वहाँ पर हम अच्छे से बात करेंगे पर यहाँ पर समझने के लिए जैसे हिंदुज़्म हैं ठीक है फिर उसके बाद इस्लाम है एंड देन दी बुद्धिस्ट एंड देन दी जेनीज देन सिख एंड देन पारसीज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये सिक्स हैं जो माइनॉरिटी माइनॉरिटी रिलीजन में आते हैं ठीक सो दैट इज़ द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ़ द रिलीजन देन द रेस एंड देन कास्ट आपकी कास्ट की वजह से भी कोई आपके डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता ठीक कि कोई एस uh, कास्ट का है कोई एस कास्ट का है कोई ब्राह्मण कास्ट का है तो उस वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सक, जा सकता एंड प्ले ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स मीन्स वेदर डेट पर्सन इज़ मेल और वेदर फीमेल और वेदर ही इज़ अ ट्रांसजेंडर और द थर्ड पर्सन यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट ठीक और अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो इट इज़ दायोलेशन ऑफ द आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ ठीक कि कोई किसी प्लेस से आ रहा है उस बिहाफ पे आप डिस्क्रिमिनेशन करो विच इज़ रॉन्ग ठीक है तो ये बात करता है आर्टिकल फिफ्टीन दैट इज द आर्टिकल फिफ्टीन मेक्स द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस रिलीजन कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ये पांच ग्राउंड है जिसमें डिफ्रेंशिएशन किया जाता है मतलब डिफ्रेंशिएशन कोई करता है तो उसको उसमें पनिश किया जाएगा ठीक उसके वॉयलेसन के रिगार्डिंग नाउ आप हम बात करते हैं जैसे मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया आपको कि दे आर सम राइट्स दैट आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू दिटीजन्स ऑफ इंडिया जिसमें थे आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल थर्टी ठीक तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये पाँच आर्टिकल्स देस फाइव आर्टिकल्स आर

ट्वेंटी फाइव सिक्स सेवेन्थ एंड ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी नहीं है ये सारे जो आर्टिकल्स हैं दीज आर्टिकल्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑल्सो एंड टू दी एलियंस ऑल्सो ठीक और फॉरनर्स ऑल्सो ठीक एलियंस को भी अवेलेबल है फॉरनर्स को भी अवेलेबल है बट हाँ प्लीज मैं डो मैंशन दिस थिंग कि दैट दीज एलियंस शुड बी दी फ्रेंडली एलियन मैंने आपको डिफरेंस बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेंडली एंड द एनिमी एलियन क्लियर तो अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 के बारे में सो so, इसका मतलब है कि आर्टिकल 15 दिस इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू दिटिजन्स ऑफ इंडिया ये आर्टिकल जो है वो फॉरनर को नहीं मिला हुआ है क्लियर तो आर्टिकल 15 का जो पहला पार्ट है उसमें हम आते हैं तो आर्टिकल 15 का जो फर्स्ट पार्ट है वॉट दिस पार्ट से इज़ देखते हैं इसको तो आर्टिकल फिफ्टीन का जो पहला पार्ट है ये क्या कह रहा है ना द फर्स्ट ऑफ द आर्टिकल फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल फिफ्टीन सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम यानी जो स्टेट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ट्वेल्व सो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी से भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन द फर्स्ट ग्राउंड सेकेंड इज द रेस द थर्ड इज द कास्ट एंड द फोर्थ इज सेक्स, एंड द फिफ्थ इज द प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है तो दिस इज इट नाउ प्लीज़ डो मैंशन दिस थिंग जो आर्टिकल फिफ्टीन है इट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू दिटीजन्स तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिटीजन्स को ही अवेलेबल है एंड दिस आर्टिकल इज़ इन्फोर्सबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है ना तो ये जो आर्टिकल है ये इन्फोर्सबल है ओनली अगेंस्ट द स्टेट स्टेट मतलब यानी कि गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करें फिलहाल आप ऐसे समझ लें तो ये जो आर्टिकल फिफ्टीन है इट इज़ ओनली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट यानी कि अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है आपसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ सो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट ठीक कि आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गया है सो द सुप्रीम कोर्ट विल इन्फोर्स दैट थिंग बट अगर कोई प्राइवेट बॉडी आपसे डिस्क्रिमिनेट करती है ऑन दीज ग्राउंड्स सो दैट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल ठीक या कोई इंडिविजुअल करता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है और वो डिफ्रेंशिएशन करता है आपसे ठीक है या आपको वो डिफरेंटली ट्रीट करता है ऑन दिस फाइव ग्राउंड सो दैट इज़ नॉट इन्फोर्सबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो ये सिर्फ इन्फोर्बल है ओनली अगेंस्ट द स्टेट क्लियर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट के अगेंस्ट कैसे इन्फोर्सेबल है इसको देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से लेट से यू हैव बॉडी ऑफ द यू पी एस सी ठीक है दिस बॉडी ऑफ द यू पी एस सी दिस बॉडी ऑफ द यू पी एस सी नाउ ये जो बॉडी है यू पी एस सी की ये एक गवर्नमेंट बॉडी है मतलब दिस कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ़ स्टेट सो दिस यू पी एस सी बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ़ द रेस ऑन द बेसिस ऑफ़ द कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ तो ये जो पाँच क्राउंड है वन टू थ्री फोर फाइव ऑन दीस फाइव राउंड द यू पी एस सी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बट यू पी एस सी कैन डिफरेंशिएट ऑन दिक्कस क्राउंड यू पी एस सी कैन डिफरेंशिएट ऑन द सेवंथ क्राउंड यू पी एस सी कैन डिफरेंशिएट ऑन द एटथ क्राउंड तो बाकी और किसी ग्राउंड में जो यू पी एस सी है वो डिफरेंशिएट कर सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस फाइव क्राउंड इन पर नहीं कर सकती डिफरेंशिएशन for example upsc cannot differentiate between the religion on the basis of race caste sex place of birth but can upsc differentiate on the basis of age yes upsc do can differentiate on the basis of age for example the maximum age for the general category student in the upsc is 32 years now upsc can differentiate you on this stage let's say there is a person a and there is a person b ना द प प पर्सन ए की जो उसकी एज है लेट से इट इज थर्टी थ्री एंड द पर्सन बी इसकी एज है ट्वेंटी एट ना यू पी एस सी कैन डिफरेंशिएट यू पी एस सी कैन से दिस थिंग कि भाई जो पर्सन ए है ही इज नॉट एलिजिबल ही इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम बट द पर्सन बी कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम नाउ हियर वॉट यू पी एस सी इज़ डूइंग यू पी एस सी इज डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द पर्सन ए एंड बी बट दिस is this differentiation is justiciable is this differentiation is reasonable is this differentiation is valid is this differentiation is justiciable is this differentiation is reasonable is this differentiation is valid yes this differentiation is justiciable also reasonable also and valid also getting a point so the thing is key because the upsc is discriminating on the basis of the sixth ground on the basis of the seventh ground can upsc differentiate yes if the upsc can differentiate for example let's say on the seventh ground is the degree the upsc said that to fill the form you should have the minimum educational qualification of graduation for example this there's again two person a and the b a and the B. Now, this A has the graduation degree, but let's say this B is 12th pass out. So the UPSC can say this thing that the A can fill the form. Yes, A can fill the form. A can apply, but this B cannot apply. Cannot apply. So now here the UPSC is making. distinction UPSC is drawing the criteria but the thing is again the same question is this criteria just yes is this criteria reasonable yes is this criteria valid too yes सारे जो क्राइटेरिया हैं वो वैलिड हैं तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि that no one can discriminate no no one नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे that the state ये सिर्फ स्टेट पे इनफॉर्सेबल है the article 15 article 15 is not enforceable on the

तो ये क्या है दिस इज द आर्टिकल फिफ्टीन पार्ट वन नाउ मूविंग ऑन दी आर्टिकल फिफ्टीन पार्ट टू अब पार्ट टू पे हम बात करते हैं तो पार्ट टू क्या कह रहा है आर्टिकल फिफ्टीन पार्ट टू वर दिस थिंग तो आर्टिकल फिफ्टीन पार्ट टू इज टॉकिंग अबाउट दैट द दैट द नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ द रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ वही पाँच ग्राउंड इसके बारे में हमने की, बात की है अभी पाँच ग्राउंड ठीक तो कोई भी पर्सन को नो पर्सन और नो सिटीजन्स शैल ऑन दी ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू डिसबिलिटी और लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस विद रिगार्ड टू यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ इन पांच चीज़ों के ग्राउंड में जो सिटीजन्स है उससे डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाएगा किस रिगार्डिंग में वो जो रिगार्ड्स हैं वो नीचे दिए गए हैं पहला क्या है एक्सेस टू पब्लिक शॉप यानी कि किसी भी पर्सन को कोई भी पब्लिक शॉप्स में जाने से नहीं रोका जाएगा ठीक अब प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो अभी मैंने आर्टिकल 15 का पार्ट वन बताया ठीक तो इस पार्ट वन में मैंने यहाँ पर यह बताया कि दिस पार्ट वन इज़ एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट दिस पार्ट वन इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट क्लियर दिस पार्ट वन इज़ एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट बट दिस पार्ट ए इज़ नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट दिविजुअल बट जो आर्टिकल फिफ्टीन का पार्ट टू है दिस इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो एंड अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो यानी कि वो दोनों के अगेंस्ट क्या है एप्लीकेबल है ठीक इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि, कि किसी पर्सन को एक्सेस टू द शॉप में नहीं रोका जाएगा वो किसी भी शॉप में जा सकता है तो वो जो शॉप हो सकता है वो गवर्नमेंट रन शॉप हो हो सकता है वो प्राइवेटली रन शॉप हो तो इसी वजह से ये जो आर्टिकल टू है आर्टिकल टू uh, है सॉरी द क्लॉज टू ऑफ फिफ्टीन आर्टिकल इज़ एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो एंड अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो सो द फर्स्ट इज एक्सेस टू पब्लिक शॉप द नेक्स्ट इज द पब्लिक रेस्टोरेंट होटल्स प्लेस ऑफ द पब्लिक इंटरटेनमेंट यहाँ पर आपको जाने से कोई भी रोक नहीं सकता ठीक है ना इट इज योर फ्रीडम आप वहाँ पर जा सकते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल क्लियर द नेक्स्ट दे यूज ऑफ वेल्स ठीक अगर आप वेल का यूज करना चाहते हो यूज, यूज कर सकते हो यूज ऑफ टैंक्स बेथिंग गार्ड्स रोड्स प्लेस ऑफ द पब्लिक रिसॉर्ट्स एंड द मेंटेनेंस मेंटेन्ड होली और पार्शली आउट ऑफ द स्टेट फंड यानी कि अगर कोई भी पब्लिक रिसोर्ट है ठीक है जो कि स्टेट फंड के द्वारा होली और पार्टली मेंटेन किया जा रहा है और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ द जनरल पब्लिक या कोई भी ऐसा स्पेस विच इज़ ओपन फॉर द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक नाउ यू कैन अवेल दैट सर्विस आप जा सकते हो उसका यूज कर सकते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल कोई भी आपको रोक नहीं सकता इट इज़ योर फंडामेंटल राइट गिवन अंडर आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉस टू नाउ सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉस टू अब हम बात करते हैं कि इज देर कैन बी एनी रिस्ट्रिक्शन अंडर द आर्टिकल फिफ्टीन क्लास टू जैसे क्लास हमने वन में बात किया ठीक है कि किस वन में क्या बात किया क्लास वन में वी हैव टॉक्ड अबाउट अंडर द क्लास वन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि क्लास वन में देयर कैन नॉट बी सॉरी देयर कैन बी अ डिफरेंशियेशन ऑन दर कैन बी डिफरेंशियशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्स ग्राउंड सेवेंथ ग्राउंड एंड द एट्थ ग्राउंड क्लियर सो इस तरह का क्या कोई प्रोविजन है अंडर आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉज टू यस अंडर आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉज टू यहाँ पर भी एक क्लॉज है एक कैच है नो वट इज द कैच हेयर देखिए फिफ्टीन क्लॉज टू में ये बोला गया कि दैट स्टेट एंड इंडिविजुअल ठीक है द एज आई टोल्ड यू कि जो फिफ्टीन क्लॉज टू है ठीक द फिफ्टीन क्लॉज टू इट इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो एंड अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो बट जो फिफ्टीन क्लॉज वन था ठीक इट वॉज़ एप्लीकेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट ठीक तो फिफ्टीन क्लास टू में क्या बोला गया कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स वही जो पांच ग्राउंड है ठीक है ना दैट इज योर द रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ ठीक ऑन दैट बेसिस किसी भी इंसान को नहीं रोका जाएगा टू एक्सेस टू दब्लिक शॉप्स शॉप्स में वो जा सकता है ठीक है वो रेस्टोरेंट में जा सकता है होटल्स में जा सकता है ठीक है ना फिर उसके बाद क्या बोला गया कि जो वेल well है ठीक उस कुएँ से वो पानी ले सकता है ठीक टैंक्स से पानी ले सकता है कोई घाट है बेतिंग घाट वहाँ पर नहा सकता है ना बेतन घाट पे तो वो नहा सकता है ठीक तो यहाँ पर तो वो जा सकता है इन सर्विसेज को वो अवेल कर सकता है नो प्रॉब्लम एट ऑल बट इस देर इज़ एनी एक्सेप्शन क्या उसको कोई रोका जा सकता है कहीं पर यस yes. देर इज देर आर सम ग्राउंड्स कुछ ग्राउंड हैं ऑन डैट ग्राउंडस वो जो इंसान है उसको रोका जा सकता है लेट्स एर अ वेल ठीक है ये एक कुआँ है ठीक और इस कुएँ से ये ए पर्सन जो है वो पानी पीना चाहता है ठीक बट कैन यू स्टॉप दैट पर्सन फ्राम टेकिंग और ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिस वेल क्या आप इस कुएँ से उसको पानी लेने से रोक सकते हो नॉर्मली देखा जाए सो इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द ए गिवेन अंडर द आर्टिकल फिफ्टीन क्लास टू ठीक ये आर्टिकल फिफ्टीन क्लास टू के अंतर्गत यह दिया गया है दैट द ए कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस वेल बट लेट से ए जो है ही इज अ डिजीज पर्सन डिजीज पर्सन इसको कोई ऐसी बीमारी है विच इज वेरी कंटेजियस ठीक वो स्प्रेड हो सकती है मीन्स इट इज़ अ वायरल डिजीज़ टू वो वायरल डिजीज़ है या हो सकता है कि ए है वो क्या है एच वी पॉजिटिव है ठीक है सो अगर ये ए इस वेल से पानी पिएगा तो हो सकता है कि इस वेल का पानी जो है वो गंदा हो जाए ठीक है या इससे बीमारी जो है वो लोगों को और हो जाए बात समझ रहे हैं ठीक सो ऑन दिस ग्राउंड ऑन दिस ग्राउंड पांच ग्राउंड्स थे ठीक पांच ग्राउंड्स थे उन पांचों ग्राउंड पे डिफ्रेंशिएशन आप नहीं कर सकते मीन्स यू कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ तो इन पांच ग्राउंड पे आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते बट कैन देयर बी अ सिक्स ग्राउंड यस देर कैन बी अ सिक्स ग्राउंड टू ऑन दैट सिक्स ग्राउंड यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ए पानी यहाँ से नहीं पिएगा गेटिंग डिंगों पॉइंट सो दिस कुड बी अ ग्राउंड तो ये क्या है दिस इज़ एन एक्सेप्शन ठीक है या कोविड के टाइम चल रहा है लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड का टाइम है और ये पर्सन जो है वो कोविड पॉजिटिव है अगेन तो अगर वो इस वेल से पानी पिएगा सो दे कुड बी सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस थिंग ठीक तो यहाँ से हमने देखा कि जो आर्टिकल फिफ्टीन uh, क्लास टू है ठीक है द आर्टिकल फिफ्टीन क्लास टू जो है हमारा ठीक सो सम हाउ द आर्टिकल फिफ्टीन क्लास टू ये क्या कर रहा है इट इज़ हेल्पिंग द स्टेट हेल्पिंग द स्टेट टू फॉट द अनटचबिलिटी ठीक तो जो अनटचबिलिटी है उसको फॉट करने में ये आर्टिकल तय कर, कर रहा है ये आर्टिकल हमारी हेल्प कर रहा है ताकि डिस्टिंगशन ना किया जा सके एंड डो रिम्बर दिस थिंग दैट द आर्टिकल फिफ्टीन इट इज़ एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो एंड अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो नाउ मूविंग ऑन द आर्टिकल फिफ्टीन क्लास थ्री

बर्थ हो गया वन टू थ्री फोर फाइव इन पांच ग्राउंड पे जो स्टेट है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी बट अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल थ्री पार्ट थ्री में बोला गया फिफ्टीन क्लास पार्ट थ्री में बोला गया कि अगर स्टेट चाहे सो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट ऑफ द वीमेन एंड द चिल्ड्रेन नाउ वैसे देखा जाए तो ये दिस इज दॉलेशन ऑफ ऑफ द सेक्स आप सेक्स के बेस पे क्या कर रहे हो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो बट इसमें पहले से ही इंक्लूडेड है इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तभी ये चीज वहां पे मेंशन की गई थी दैट द इफ द स्टेट वांट द स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दि वस एंड द चिल्ड्रेन ठीक सो दिस इज अबाउट दी दिस इज अबाउट द क्लास थ्री ऑफ द आर्टिकल फिफ्टीन नाउ अब हम बात करते हैं कि जब क्लास थ्री ऑफ द आर्टिकल फिफ्टीन आया तो उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए तो यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर यह बोला गया आर्टिकल फिफ्टीन क्लास थ्री में ये बोल दिया गया कि अगर स्टेट चाहे सो द स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दिल्ड्रेन एंड वेमेन तो वेमेन और चिल्ड्रेन के रिगार्डिंग जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है ठीक अब यहाँ पर एक केस हुआ एंड नॉट द केस यू शुड से जो मद्रास गवर्नमेंट थी ठीक है जो मद्रास गवर्नमेंट थी ठीक उन्होंने ये बोला कि दैट वी वॉन्ट द रिज़र्वेशन वी वॉन्ट द रिज़र्वेशन इन द ए एस सी एंड एस टी इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें रिज़र्वेशन चाहिए बट फिर ये यहाँ पर निकल गया आया कि अगर हम रिज़र्वेशन दे देंगे लोगों ने कहा तो, तो दिस विल बी द वायलेशन दिस विल बी दी वायोलेशन ऑफ द आर्टिकल फिफ्टीन क्योंकि आर्टिकल फिफ्टीन में हमने कास्ट के बेस पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ठीक है ना वी कैन नॉट डि डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ कास्ट क्योंकि जो कास्ट है कास्ट इज़ वन ऑफ दी फाइव ग्राउंड जो फाइव ग्राउंड हैं ठीक फाइव ग्राउंड हैं उन फाइव ग्राउंड में एक जो ग्राउंड है वो क्या है वो कास्ट भी है सो वी कैन नाट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दी कास्ट फिर उसके बाद एक यहां पर केस आता है दैट यू शुड नो एंड द नेम ऑफ द केस इज दी चंपका दो राजन वर्सेस दी स्टेट ऑफ मद्रास ठीक ये केस होता है 1951 में इस केस में क्या होता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर देता है कि जो रिजर्वेशन है ठीक है दैट दी रिजर्वेशन कैन नॉट प्रोवाइड जो भी रिजर्वेशन हैं वो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे ना मद्रास गवर्नमेंट कि हमें एस सी और एस टी के लिए रिजर्वेशन देना है तो ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हम सिर्फ कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते ठीक बिकॉज ऑल्सो दिस वाइलेट्स दी आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो कास्ट के बेसिस पे के नॉट यू cannot provide प्रोवाइड reservation रिजर्वेशन मीन्स द रिजर्वेशन कैन नॉट मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट कास्ट का सिर्फ एक ग्राउंड देखिए हम रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते नाउ अब बात रही गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट को तो रिजर्वेशन देना ही था सुप्रीम कोर्ट ने भले अपना ऑर्डर दे दिया हो सो so, गवर्नमेंट ने क्या किया सो द गवर्नमेंट पासड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। भाई ये केस कब हुआ था दिस केस द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के एम इन द ईयर ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वन इन द सेम ईयर द फर्स्ट कंस्टिट्यूशनल अमेडमेंट एक्ट वॉज पासड बाई दार्लियामेंट एंड दिस फर्स्ट कंस्टिट्यूशनल अमेनमेंट एक्ट इसने क्या किया इट एडेड द आर्टिकल फिफ्टीन पार्ट फोर हम अभी तक फिफ्टीन पार्ट थ्री तक पढ़ चुके हैं सो द फिफ्टीन पार्ट फोर एडेड आफ्टर द फर्स्ट कंस्टिट्यूशनल अमेडमेंट एक्ट जो कि किया गया था आफ्टर द चंबकम चंबक दुरार्चिन केस इन द ईयर ऑफ 1951 ठीक और हमने क्या किया हमने पार्ट 15 पार्ट 4 को ऐड कर दिया ठीक 15 पार्ट 4 क्या कह रहा है 15 पार्ट 4 बोल रहा है दैट नथिंग इज इन दिस आर्टिकल ऑफ द क्लास 2 ऑफ द आर्टिकल 29 शैल बी प्रिवेंटेड द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब यानी कि आर्टिकल फिफ्टीन क्लास फोर जो है उसमें ये बोला गया कि स्टेट रिजर्वेशन देगी किसको स्टेट रिजर्वेशन देगी शेड्यूल कास्ट को एंड शेड्यूल ट्राइब को और ये जो है नथिंग इन दिस आर्टिकल ऑफ द क्लास टू ऑफ द आर्टिकल ट्वेंटी नाइन शेड्यूल प्रिवेंट द स्टेट तो आर्टिकल जो ट्वेंटी नाइन है वो स्टेट को नहीं प्रिवेंट कर सकता फॉर मेकिंग द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो रिज़र्वेशन दिया गया था ना दिस रिज़र्वेशन पॉलिसी जो ये आई, आई आपकी जो फिफ्टीन फोर ऐड किया गया इसमें क्या बात किया गया इसमें जो रिज़र्वेशन दिया गया था सो दिस रिजर्वेशन वॉज फॉर दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स थे ठीक उन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया गया वाया दी क्लास फिफ्टीन क्लास फोर ओके नाउ वहाँ पर लिखा था कि ये कै दिस दिस फिफ्टीन क्लास फोर ठीक नॉट वॉलेट और जो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन है उसको वॉयलेट नहीं करेगा वो इथ द आर्टिकल ट्वेंटी नाइन थोड़ा सा समझ लेते हैं ठीक है यहाँ पर बोला गया कि हम जो रिजर्वेशन है वो दो दे रहे हैं किसको शेड्यूल कास्ट को ठीक तो जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने की जो बात कही गई तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर किसको दिया गया है वाई the 15 फिफ्टीन 4, फोर वी हैव प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन ओनली टू दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ठीक अगर बात करें आर्टिकल 29 के बारे में तो आर्टिकल 29 बात करता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बारे में ठीक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है लेट्स से कि रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया है ठीक है जैसे हमने बात किया था इंद्र सफाई केस में भी कि द रिजर्वेशन के नॉट एक्सीड द फिफ्टीन फिफ्टी परसेंट लिमिट ठीक उसको एक्सीड नहीं कर सकता पर कई सारे स्टेट में वो एक्सीड हो भी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो जैसे यहाँ पर बात किया गया फॉर एग्ज़ाम्पल इंडी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो रिज़र्वेशन ऑफ सीट एक्ट आया था रिजर्वेशन ऑफ सीट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड सेवन ओके तो यहाँ पर जैसे क्लासीफाई किया गया कि रिजर्वेशन दिया गया एस सी को एस को और ओ को एस को दिया गया फिफ्टीन परसेंट का इसको सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का और इसको ट्वेंटी सेवन परसेंट का ठीक तो ये रिजर्वेशन कास्ट के बेस पे दिया गया था बट अगर हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के बात, बात, बारे में बात करें किसके बारे में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के बारे, बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि माइनॉरिटी जो है इंडिया में इंडिया में जो माइनॉरिटी है वो दो तरह से डिफाइडेड है पहला डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और जो दूसरा डिपेंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रिलीजन के बेसिस पे क्षेत्र की माइनॉरिटी होती है ठीक पहले मैंने बताया था हिंदुज्म इस्लाम हो गई मुस्लिम फिर उसके बाद आपकी क्रिश्चन हो गई फिर जैनिज्म हो गई फिर उसके बाद बुद्धिज़्म हो गई और सिख हो गई और पारसी हो गई ठीक तो यानी कि जो इस्लाम है दैट इज़ द मुस्लिम्स मुस्लिम्स आर ऑल्सो रिलीजियस माइनॉरिटी ठीक अब हम बात करें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बात करूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में तो माइनॉरिटी में ये आएगा पहली चीज़ तो ठीक है और माइनॉरिटी का प्रोविज़न ये है कि अगर सपोज़ वहाँ पर हंड्रेड सीट्स हैं मैं रिज़र्वेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ऑफ़ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स तो अगर वहाँ पर हंड्रेड सीट्स हैं तो उन हंड्रेड सीट्स में क्या होता है कि जो फिफ्टी सीट्स होती हैं यानी कि फ़िफ्टी परसेंट जो रिज़र्वेशन होता है वो होता है उसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए एम यू दैट इज़ दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सौ सीटें हैं तो उसमें से पचास सीटें विल बी फॉर दी मुस्लिम्स ओनली ठीक और जो बची पचास सीटें हैं वो होंगी किसके लिए नॉन मुस्लिम्स के लिए ठीक फिर उसमें अपना रिजर्वेशन जो है वो चलेगा इस क्राइटेरिया के अनुसार हम सबको उसमें सीट्स प्रोवाइड करेंगे तो ये पता होना चाहिए एक और डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन द नॉर्मल इंस्टीट्यूट एंड दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं ठीक है थीक? उनके पास अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी है राइट टू प्रॉपर्टी एज यू नो दैट वाई दी फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल नाइन्टीन जी से हटा करके हमने थ्री ए में रख लिया था सो फॉर द नॉर्मल पर्सन फॉर द नॉर्मल पर्सन दैट फॉर द नॉर्मल पर्सन जो राइट टू प्रॉपर्टी है नाओ इट इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट एनी मोर तो इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट फॉर द माइनॉरिटीज़ इट इज स्टिल अ फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी के लिए इट इज इट इज स्टिल अ फंडामेंटल राइट इसके फायदे क्या हैं इसके फायदे ये हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ लैंड ठीक एंड दिस लैंड द टू लैंड्स द ए लैंड एंड द बी लैंड ना अब ए लैंड जो है वो बिलोंग करता है एक नॉर्मल कम्युनिटी को ठीक है ना एक नॉर्मल कम्युनिटी को ये लैंड बिलोंग करता है किसको नॉर्मल कम्युनिटी को ओके सो अगर लट से गवर्नमेंट को ये लैंड चाहिए इफ़ द गवर्नमेंट वांट दिस ए लैंड तो गवर्नमेंट इस लैंड को कन्फिसकेट कर सकती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन या जिसका भी ये लैंड है उससे ये कन्फिसकेट कर सकती है ठीक है और गवर्नमेंट चाहे तो उसको थोड़ा बहुत जो कंपनसेशन है वो दे सकती है बट माइनॉरिटी केस में लट से ये जो लैंड बी है एंड दिस लैंड बी बिलोंग्स टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट सो इन दिस केस माइनॉरिटी से अगर जो गवर्नमेंट है उनसे लैंड लेना है कन्फेस्केट करना है सो तो उस कंडीशन में एक तो वो ले नहीं सकती जल्दी बट अगर गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जेस्ट पब्लिक गुड तो वो ले सकती है बट फॉर दैट जो भी मार्केट का रेट चल रहा है ठीक है ना यानी कि प्रॉपर कंपनसेट करना पड़ेगा ठीक प्रॉपर प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा बट नॉर्मल केस के लैंड में जो कंपनसेशन जो भी मिलेगा नहीं मिलेगा तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट बट इन केस ऑफ दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट या माइनॉरिटी को अगर कोई लैंड बिलोंग करता है तो क्योंकि तो उनके पास अभी भी जो राइट टू प्रॉपर्टी इट इज़ अ फंडामेंटल राइट सो अंडर दैट ये ले सकते हैं ठीक है तो आप ये समझ के होंगे अच्छा मैंने ऊपर ये बता दिया था मैंने हिंदुज्म के हिंदुजम को, को इसमें इनरोल कर दिया था बट जो माइनॉरिटी रिलीजन इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं वो छः तो हैं और छः में कौन कौन से हैं इससे मैंने बताना भूल गया था कि मैंने ये पारसी को नहीं इंक्लूड किया था जोडोस्टेरियन मैंने हिंदूज बोल दिया था उसमें वो रॉन्ग हो गया था उसको कलेक्ट करेंगे आप पहला है मुस्लिम सिख जेनिज्म बुद्धिस्ट क्रिश्चिय और पारसी और सबसे जो लास्ट ऐड किया गया था वो दो में जेनिज को ऐड किया गया था ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो आर्टिकल फिफ्टीन थ्री था ठीक है तो आर्टिकल फिफ्टीन थ्री के बाद सबसे पहले फिफ्टीन थ्री में रिजर्वेशन दिया गया किसको फिफ्टीन में रिजर्वेशन दिया गया चिल्ड्रंस और वुमेंस को ठीक उसके बाद क्या किया गया उसके बाद 154 आया और 154 कैसे ऐड हुआ 154 ऐड हुआ बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर द चंपकम दरारजी केस ऑफ द वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इन द ईयर ऑफ 1951 तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 154 को ऐड कर दिया गया और उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में क्या प्रोवाइड किया गया रिजर्वेशन दिया गया एस और एस को अब जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया गया तो उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन की मांग बढ़ने लगी ठीक फिर गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट किया एंड द गवर्नमेंट अमेंडमेंट मेड द अमेंडमेंट नाइन्टी थर्ड टाइम सो इट वॉज द नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ टू थाउजेंड फाइव ठीक इसमें क्या किया इसमें गवर्नमेंट ने ऐड किया फिफ्टीन क्लास फाइव सो फिफ्टीन क्लास फाइव को ऐड किया गया अभी तक हम फिफ्टीन क्लास फोर पढ़ चुके हैं नाउ इट इज़ फिफ्टीन क्लास फाइव फिफ्टीन क्लास फोर में क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स में एस और एस को रिजर्वेशन दे दिया गया क्योंकि तो उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ से भी डिमांड बढ़ने लगी सो गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने ऐड किया फिफ्टीन क्लास फाइव को और इस फिफ्टीन क्लास फाइव से गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स थे ठीक है ना वेदर दे आर एडेड और अनएड सभी को क्या कर दिया सभी को रिजर्वेशन दिया इन टर्म्स ऑफ द एस सी एंड एस टी मीन्स वायर आर्टिकल फिफ्टीन फाइव द गवर्नमेंट कन्फर्स द पावर ऑन द स्टेट टू रिजर्व द सीट्स इन द फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द दिटिजन्स ठीक है ना जो क्या थे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स थे ठीक है इंस्टीट्यूट के टर्म पे चाहे वो एडिड हो या अनएडेड हो ठीक है ना एडेड और अनएडेड के बारे में बात किया जाए तो जैसे प्राइवेट uh, जो इंस्टीट्यूट्स हैं ठीक है ना तो वो दो तरह के हो सकते हैं वो एडिड भी हो सकते हैं अनएडेड भी हो सकते हैं एडेड का मतलब है कि दे आर टेकिंग सम सम हेल्प ठीक है ना या गवर्नमेंट उनको कोई ना कोई फ़ंड दे रही है सो दे आर एडेड और अगर कोई भी फंड नहीं दे रही है ठीक है ना दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन सो दे बिकम अनएडेड कॉलेज ठीक तो ये पता होना चाहिए तो इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है दैट नथिंग इन दिस क्लॉज और द सब क्लॉज ऑफ द क्लाजी वन द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन्स बाई द लॉ इन द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ द दिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स ठीक इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन इन रिलेटेड टू द एडमिशन टू दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग the प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखा यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी इंक्लूड क्या है वेदर added और unadded बाई द स्टेट ठीक एडिड का मतलब मैंने क्या बताया कि दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ठीक अनएडिड का मतलब कि कोई फंड नहीं ले रहे हैं दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन अदर देन दी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है प्लीज़ डू मैंशन दिस थिंग इन योर माइंड कि दिस रिजर्वेशन दिस आर्टिकल फिफ्टीन क्लास फाइव दिस आर्टिकल फिफ्टीन क्लास फाइव में जो रिजर्वेशन दिया गया है वाया दाइनटी थर्ड अमेन्डमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव तो जो अमेन्डमेंट के द्वारा जो जो रिजर्वेशन दिया गया है इट इज़ ओनली ऑन दी गवरमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट और उसमें कौन कौन से एडेड और अनएड दोनों को दिया गया है बट नॉट टू दी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन केस ऑफ दी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या होता है कि उसमें 50 परसेंट जो रिजर्वेशन होता है वो उसी जो माइनॉरिटी का जिस रिलीजन है उसी को मिलता है रेस्ट जो 50 परसेंट है वो अदर्स को मिलता है एग्जाम्पल मैंने दिया था इफ़ देर इज़ अ लेट्स दर इज़ अ खालसा कॉलेज नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर कोई खालसा कॉलेज है ठीक तो खालसा कॉलेज सिख लोगों का होता है तो इसमें फिफ्टी परसेंट जो सीट्स हैं वो सिर्फ सिख के लिए रिजर्व होंगी और रेस्ट फिफ्टी परसेंट में जो जो नॉन सिख पीपल हैं वो इसमें आ सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस क्लियर नाउ अब हम बात करते हैं आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉज सिक्स के बारे में ठीक आर्टिकल फिफ्टीन क्लॉज सिक्स क्या है देखिए जब इतना सब हो गया उसके बाद टू में ठीक 2019 में क्या हुआ 2019 में गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट किया एंड अमेंडमेंट वाज हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ठीक है हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट और इस हंड्रेड थर्ड अमेंडमेंट में क्या कहा गया ठीक तो इस हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट में ये बात किया गया कि हम रिजर्वेशन देंगे रिजर्वेशन वी आर वी विल प्रोवाइड द रिजर्वेशन टू दी डब्ल्यू एस सेक्शन दैट इज द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ठीक ये लोग कौन है दे आर द पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट ठीक अपर कास्ट ये लोग हैं बट बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वीक तो इन्हें हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया अंडर द फिफ्टीन क्लास सिक्स इसको ऐड किया गया वाया द हंड्रेड अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी नाइनटीन एंड दिस गिवन द टेन परसेंट रिजर्वेशन टू दी डब्ल्यू एच सेक्शन दैट इज द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाँ इसके कुछ क्राइटेरिया भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि आपका जो पूरा घर है वो एक हज़ार स्क्वायर फीट से ठीक है एक हज़ार स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है या आपकी जो फादर की इनकम है वो आठ लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है तो आपके पास कोई खेत खेत का क्राइटेरिया कि इतना नहीं होना चाहिए तो यानी कि कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं जैसे ई सॉरी ओ में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था ठीक है ना तो कि क्रीमी लेयर में कौन लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ठीक है जिनकी इनकम आठ लाख से कम है उनको ओ में मिलेगा रिजर्वेशन नहीं है तो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं आठ लाख से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा तो इसी तरह से ई सेक्शन में भी रिजर्वेशन दिया गया है ठीक है तो तो हमने यहाँ तक बात किया हमारे आर्टिकल 15 के बारे में ठीक है आर्टिकल 15 को हम फिर से अगर एक बार रिवाइज़ करना चाहें तो क्या हमने देखा आर्टिकल 15 में सबसे पहले मैंने बताया कि आर्टिकल फिफ्टीन के बारे में आपको कि जो आर्टिकल फिफ्टीन है ठीक आर्टिकल फिफ्टीन में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पाँच चीज़ों के बारे में बताया गया है ठीक है पहला है रिलीजन इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रेस में कास्ट में सेक्स में और प्लेस ऑफ बर्थ इसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते तो ये पांच ग्राउंड्स हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता दीज आर दी फाइव ग्राउंड्स ऑन विच यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बट कैन यू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्स ग्राउंड हाँ सिक्थ ग्राउंड में कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था यूपीएससी यूपीएससी कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया बट येस यू पी एस सी डू कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एज एज के बेस में बोल सकती है कि आप बत्तीस साल के हो गए और फॉर्म नहीं भर सकते डिग्री के बेस पर बोल सकती है कि आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है हैंस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द फॉर्म क्लियर तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज वन है ठीक तो आर्टिकल 15 क्लॉज वन इट इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल और इन्फोर्सेबल अगेंस्ट दी स्टेट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जाएगा इसको क्लियर नौ no. और आर्टिकल जो फिफ्टीन क्लास वन है उसमें इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं किया गया है यानी कि सिर्फ स्टेट के खर अगेंस्ट ये इन्फोर्सेबल है फिर मैंने बात किया आर्टिकल फिफ्टीन क्लास टू के बारे में जिसमें स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के बारे में बात किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दैट यू कै नॉट प्रोहिबिट ऑन द बेसिस ऑफ दोज फाइव क्राइटेरिया जो पाँच क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर आप डिस्ट डिस्क्रिमिनेट uh, नहीं कर सकते कि अगर कोई शॉप में जाना चाहे रेस्टोरेंट में जाना चाहे होटल्स वेल्स को यूज़ करना चाहे टैंक को यूज करना चाहे वेथिंग गार्ड या कोई भी पब्लिक uh, ऐसी जगह पर जाना चाहता है जो सबके लिए ओपन है आप उसको रोक नहीं सकते बट हाँ तो इन पाँच ग्राउंड के अलावा दे कुड बी सिक्स सेवन्थ इन एथ ग्राउंड ऑन विच यू कैन जस्ट मेक दी एक्सेप्शंस फॉर एग्जांपल मैंने दिया था जैसे ये कुआँ है तो इस कुएं से इंसान पानी तो पी सकता है नो प्रॉब्लम एट ऑल ठीक है आप इसको रोक नहीं सकते बट द थिंग इज़ कि इस पांच ग्राउंड के अलावा इफ़ दर इज अ सिक्स ग्राउंड इफ़ ही इज अ डिजीज हैज सम सॉर्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन उसको वो एच पॉजिटिव है तो ये पानी भी इन्फेक्टेड हो सकता है तो इस वजह से आप उसको डिस्क्रिमिनेट करके रोक सकते हो तो ये मैंने बताया एंड दिस फिफ्टीन क्लास टू दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर द स्टेट एंड इंडिविजुअल टू तो ये स्टेट और इंडिविजुअल दोनों पे क्या है एप्लीकेबल है फिर मैंने बात किया फिफ्टीन क्लास थ्री के बारे में जिसमें यह बताया गया है कि जो स्टेट है स्टेट कैन मेक द प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टनर ऑफ वीमन एंड चिल्ड्रेन ठीक और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा उन पाँच ग्राउंड में मीनस ये जो सेक्स का क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट है पर फिर भी इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे ठीक है प्रोहिबिशन नहीं मानेंगे ठीक वॉलेशन नहीं मानेंगे तो फिफ्टीन क्लास थ्री ये हो गया ठीक उसके बाद मद्रास में रिजर्वेशन पॉलिसी की शुरुआत हुई और यहाँ पर बात किया गया गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में कि हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं फॉर दी एस सी एन एस टी कम्यूनिटी ठीक पर गवर्नमेंट ने सुप्रीम सु, कोर्ट ने इसको मना कर दिया अंडर दी चम्बकम दुरारजी केस वर्स स्टेट ऑफ मद्रास इन द ईयर ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वन ठीक और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है कैन नॉट बी सोली और कैन नॉट बी मेयरली प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हैंस जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 और उसने ऐड किया क्लास 15 क्लास 4 और गवर्नमेंट ने बोला कि आज से जो एस और एस को रिजर्वेशन हम देते हैं ठीक इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर दिस वाज ओनली फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ठीक बट फिर डिमांड और बढ़ी और हमने ऐड किया क्या हमने ऐड किया क्लास हमने ऐड किया दिफ्टीन फिफ्टीन क्लॉज फोर यस, वी हैव एडेड फिफ्टीन क्लास फोर ठीक है और फिफ्टीन क्लास फोर से हमने क्या किया फ़िफ्टीन क्लास फोर से हमने हाँ सॉरी ये तो मैं बता चुका हूँ फिफ्टीन क्लास फोर से हमने इनको दे दिया बट उसके बाद हमने ऐड किया किससे नाइन्टी थर्ड अमेडमेंट किया हमने ठीक और नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट से नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट से हमने ऐड किया फिफ्टीन क्लास फाइव और जिसमें हमने बोला कि हम इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट वाले को तो दे चुके थे वाया दी फिफ्टीन क्लास फाइव फिफ्टीन क्लास फोर गवर्नमेंट के साथ साथ हम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उन उनपे भी अलाउ कर रहे हैं एस और एस और अदर बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है ठीक है उनको अलाउ कर रहे हैं और प्राइवेट में भी कौन कौन से दोनों होंगे एडेड और अनएडेड ठीक तो ये हमने बोला तो दिस वॉज द फिफ्टीन क्लास फाइव एंड देन अगेन इन द ईयर ट्वेंटी नाइनटीन वी हैव एडेड दी फिफ्टीन क्लास सिक्स वाया दी हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट एक्ट और हमने दस परसेंट रिजर्वेशन फीस को दिया ई डब्ल्यू एस को दिया और ई डब्ल्यू एस का कोई कुछ क्राइटेरिया भी है जैसे एक हज़ार फीट से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए स्क्वायर फीट से ज़्यादा आठ लाख से ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए ठीक है घर की ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो रिजर्वेशन एक्ट सीट एक्ट आया था 2007 का ठीक है ना जिसमें क्लासिफिकेशन किया गया था कि जो रिज़र्वेशन रहेगा वो कैसे रहेगा एस को 15 परसेंट एस को 7.5 और ओबीसी को 27 परसेंट का रिज़र्वेशन मिलेगा ठीक है तो ये चीज़ आपको पता बतानी चाहिए और एजुकेशनली जो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं माइनॉरिटी के दैट आर मैंशन इन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन थर्टीन तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट right में जो राइट टू प्रॉपर्टी है ठीक तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ फंडामेंटल राइट फॉर दी माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी फंडामेंटल राइट right है बट दिस इज नॉट द फंडामेंटल राइट फॉर दी रेस्ट ऑफ द पीपल क्योंकि अंडर दी नाइनटीन जी हमने जो फंडामेंटल राइट right था राइट टू प्रॉपर्टी उसको रिमूव करके हमने थ्री हंड्रेड ए में कर दिया था नाउ फंडामेंटल राइट अपार्ट फ्रॉम माइनॉरिटीज इज नॉट अवेलेबल टू एनी वन ठीक है एंड फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ जस्ट अ लीगल राइट अब अब फंडामेंटल राइट की नई की कैटेगरी में नहीं है नाओ द राइट टू प्रॉपर्टी इज जस्ट अ लीगल राइट और द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इट इज़ नॉट फंडामेंटल राइट एनी मोर फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल अपार्ट फ्रॉम द माइनॉरिटी ठीक है तो इस वीडियो में हमने बात किया आर्टिकल फिफ्टीन के, के बारे में फिफ्टीन के बारे में आई होप आपको यह आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो Among your friends. Till then, take care. Goodbye. Thank you.